बंधुगण, सठतापूर्ण राजनीतिर भी गोटे सीमा थाए। मुझे केते गुड़े खबर कागज सकाळु पढ़िली, गोटे सकाळ कागज कौन कार बाहर से शीर्षक होउची निर्वाचन पूर्वरु नवीन को मास्टर स्ट्रोक। तार भीतर को जदि आपण पढ़िबे केवल छळना आउ प्रवंचना। सकाळु सकाळु मुख्यमंत्री ओडिशावासी निकटरे एते बड़ मिछ कहिबे बोली मु कल्पना भी करि पर्नी। मिछर भी गोटे सीमा थाए। ये जो 27% रिजर्वेशन कथा मुख्यमंत्री कहिचंती, एटा तांको दलरे जो माने प्रार्थी ठिया हेबे पंचायत निर्वाचन कि पौर निर्वाचन विधानसभा लोकसभा से मानको भितरु ये कुआडे 27% देबे। आपण हिसाब करिबे, मु जदि स्टैटिस्टिक्स देबी त समय लागिवो। विधानसभा होची 147, तार 37%। लोकसभा होची 21, तार 37%। टोटल पंचायत संख्या ओडिशा रे पाखापाखी हम 7000, तार 37%। जिला परिषद 700-800, तार 37%। सेमती पंचायत समिति भी नोमिनी फोमिनी सब मिसेकरी आज्ञा ओडिशा रे जदि जनप्रतिनिधि मानकर संख्या हिसाब दवा परिसंख्यान मुझे देवी ताले बोधे 10,000 कि 15,000 अधिका टपन। 15,000 27% आम हिसाब करवा के 15,000 जदि 27% आम हिसाब करवा 15 × 30 = 30% हेले 45,000 लोकों ये व्यवस्था कुआडे करदे से 27% आ सका सका मिछ कहीदे निज कागज मिछर जहाँ मुँह कहली परिसीमा नवीन बाबू बहुत आगुरु निर्धारण कर सारी। ओडिशावासी को भुआ बुले आर्थिक अनग्रसर बा दुर्बल श्रेणी रे जो माने रहुचंती सेमानकर संख्या होची 52%। आज भल प्रेसमिटे श्रीकांत जेना करुथिले, मु देखुथिली से तो जड़े अभिज्ञ नेता एवं दूरदर्शी भी तांकर अच्छी एवं ये कथा भी से जितेबले मंत्रिमंडल रे थिले 92-93 मसीह रे कथा उठीला सेतबले। किंतु आपण माने जानिथिबे जो 27% रिजर्वेशन ओडिशा रे किछि नुआ कथा नुहे। आपणकर जेबेठू पंचायत निर्वाचन एटा जनप्रतिनिधि आइन रे नाही, एमएलए हो कि एमपी हो कि राज्यसभा लोकसभा एठी ओबीसी मानक पई कौनसी रिजर्वेशन रो व्यवस्था नाही। किंतु आमर लोकल बॉडीज जिते गुड़े निर्वाचन हुए जथा पंचायत एवं पौर से 27% रिजर्वेशन ओडिशा आईन रे प्रावधान थिला, ताकु नवीन बाबू रक्षा करि पारलेनि। गोटे रिसेंटली 2017 मसीह रे मान्यवर ओडिशा हाईकोर्ट सुभाष चंद्र विश्वाल बनाम राज्य सरकार, यहाँ हूँ गोटे जिला परिषद निर्वाचन रे 27% ओबीसी वर्ग पई संरक्षण रखा जाय पिबना नाही, सेटा थिला विषय वस्तु। मु सेतेर वकील थिली इंसिडेंटली निर्वाचन कमिशन रो। ए कथा आपण माने देखिबे जेतेबेले के कृष्णमूर्ति बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 मसीहा रे मान्यवर सुप्रीम कोर्ट एक राय सुनाई कहिले जे रिजर्वेशन सीलिंग 50% रु अधिका जाई पारिबो नाही, सेडा होची 2010 मसीहा रो कथा। से 2010 मसीहा परे आपण देखिबे 2012 रे पंचायत निर्वाचन हेची, सेतेबेले भी 27% रिजर्वेशन थिला ओबीसी मानको पई ओडिशा आईन रे। मु काही कहूची जे मुख्यमंत्री केमती विफल 27 ए जो ओबीसी बा एससी बीसी जहाँकि सोशली आउ एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास
वर्ग मानक ये किभली भाव में अवहेला प्रदर्शन करिसेंदी मु आज्ञा तथ्य प्रमाण सहित आपण मानक निकटे रखी परिसंख्यान तो समय लगे मो पाखे अच्छी सब परिसंख्यान मु आईनगत दिगटी कथा एवं राजनीतिक दिग दुईट दिगर जी मुझे चाहे आंक मिछुआ नेता बोधे ओडिशा आगे आगामी पीढ़ी में प्रड्यूस करना दाहा मिछ कौन आज्ञा खबरकगज बाला मुझे आश्चर्य हूँ ये दलर जदि टिकेट देवे 37% लोकं से केमी पछुआ वर्गों स्वार्थ रक्षा कर बुझीपी यहाँ दलय व्यापार सी क्या टिकेट देवे आज्ञा आहरी मुख्य कथा हूँ आपणकर सरपंच एवं पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति से दलय चिह्न निर्वाचन कराए बोधे परिसंख्यान भूल देली केवल जिला परिषद जो 800 कि 900 सीट अच्छी एवं विधानसभा 147 एवं लोकसभा 21 धरी नियंतु लोकसभा ऑलरेडी एससी एसटी मानक 38% अच्छी 38.75 बाकी रहिला 11% से 11% ओबीसी रु पार्लियामेंटर आईन को जदि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल आक्ट को संशोधन न करा जाए नवीन बाबू कौन कहीं भी करें कारण से राज्यर विषय वस्तु नुहे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल आक्ट हूँ केन्द्र सरकार विषय वस्तु जो मान्यवर प्रधानमंत्री मोदी नरेन्द्र मोदी जी गत काली पार्लियामेंट्रे विधेयक आपण मैंने शुणिथे काली मान्यवर केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अभिभाषण पार्लियामेंट्रे राज्यसभा विस्तृत भाव से आईनर तर्जमा कले इंदिरा साहणी राय ठारू नौजनिया बेंचर जजमेंट अशोक ठाकुर एवं आपणकर सुभाष चंद्र विश्वाल कड़ा जवाब दे बीजेडी दल नेता मानू पार्लियामेंट भितर आप देखिथे जे किभली भावे ये जो बीजेडी सरकार ओबीसी मानकर स्वार्थ को रक्षा करिवार चरम विफल हो सुभाष विश्वाल मकदमा कथा मुझे कहती 2012 आपण मानक जिला परिषद रे थिला म्युनिसिपैलिटी आईन रे भी थिला पंचायत आईन रे भी थिला मान्यवर हाईकोर्ट जितेबाला शुणाणी कले के कृष्णमूर्ति जजमेंट को आधार करी ओडिशा सरकार सेठी उपयुक्त जुक्ति उपस्थापन करिपारिले नाही जेउथिपई से मकदमा हारिले सुप्रीम कोर्ट गले से 37% रिजर्वेशन को मान्यवर ओडिशा हाईकोर्ट कहले जे नाही एठी 50% रु लोकल बॉडीज यथा पंचायत एवं पौर आकु एक्सीड करिवो नाही ए जो 37% आईन रे आगुरु ओडिशा सरकार व्यवस्था थिला ताकु भी सरकार रक्षा करिबारे आईन अदालत रे विफल हेले एवं सबु कथा कोर्ट उपरे छाड़ी देकरी वर्तमान बाहुस्पोट मारी मिछ कही कहते कौन ना आम अन्य राजनीतिक दल को आह्वान करुचु सीए भी 37% रखत आपत सठतापूर्ण यो विचारधारा कहले आज्ञा लोक ओडिशार भकुआ नुहत आपण जहाँ कहे चिठा खंडे दौंस खबरकगज बाला प्रेसर पकाउं जहाँ भावुंत कहले लोके विश्वास करेंगे ओडिशार जनसाधारण बहुत चालाक आपण शहे गुण चालाक होड़िया भोटर आपण जिते मिछ कहे तार प्रत्येक जिनसर स्क्रुटिनी करशार जनसाधारण सारे 4.5 कोटी जनसाधारण बेची दिन मिछ कही राजनीति में आपड़ तिष्टि जापारती कितु आपण सेमती यही पदक्षेप ग्रहण करी केवेले 52 शतकड़ा 52 भाग सामाजिक एवं अर्थनैतिक स्तर में जो मैंने अनग्रसर जहाँ कि आम कमन पार्लांस अदर बैकवर्ड क्लासेस कथा कौन स्वार्थ को आप रक्षा करफल होती तेणु सारांश हूँ आज्ञा सुभाष विश्वाल मकदमा को मुझे जीवी जितेबाला मकदमा हारे ओडिशा हाईकोर्टे चीफ जस्टिस विनीत शरण एवं डॉक्टर जस्टिस बी आर षडंगी सुप्रीमकोर्ट गले सुप्रीमकोर्टे भी उपयुक्त जुक्ति उपस्थापन करें ना मकदमा हारे रिव्यू कले मकदमा हारे तेणु वर्तमान कथा उठुची ये तो गला राजनीतिक विषय वस्तु जो 11% भी अच्छी आपण धरी नियंतु फर दि टाइम बिंग इंदिरा साहणी जजमेंट कि अशोक ठाकुर हो बहुत जजमेंट आसपर अशोक ठाकुर केस भी मराठा केस रिसेंटली आसी मराठा केस रे आपणकर सुप्रीम कोर्ट डाकिले राज्य सरकार मान को ये जो 37% रिजर्वेशन 50% रु एक्सीड करिवो ना नाही आपण माने आसिकरी निजर पक्ष रखंतु गले नहीं आज्ञा ओडिशा सरकार जमती कोटिया प्रसंगे 10 वर्ष पर निद हजिला एवं जा कौन फलक मारे भी सी जा बुले बुल दिनटा तहसिलदार गाड़ी बुले कर पलि मान्यवर मुख्यमंत्री एपर्यंत भी कोटिया गले ये सेमती आज्ञा कोर्ट अदालत ना जमी जगन्नाथ रथ जात्रा बंद कर मन थी लोक लगे बंद करती आज्ञा
କଲେନି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଏମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ରଥଯାତ୍ରା କରିଲେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଛରେ ପୁରୀ ପୁରୀ କ'ଣ ଅଖାବସ୍ଥା ଭିତରେ ବାଲି ପୁରେଇକିରି 10-15ଟା ଗଛ ଛୁଇଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ କରିଡ଼ର କରିଦେଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆମେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଷଠତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 25 ପାଖାପାଖି 22 ବର୍ଷ ଧରି କଲେଣି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ବହୁତ ସଚେତନ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 27% କାର୍ଡ ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷଠତା ଏବଂ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ ଓବିସି ବର୍ଗ ପାଇଁ 27% ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଯାହା ଆସିଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି 11% ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ଚାକିରିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବରଂ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ଦେଖିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 10% ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆପଣ ତା ବି କରିନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଜାତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି ଶତକଡ଼ା ଅଧା 52% ଆପଣ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସାମାନ୍ୟତମ ପଦକ୍ଷେପ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ତାହେଲେ ଆଇନରେ ପ୍ରାବଧାନ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ 27% ଓବିସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ଆଇନ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ଆପଣ ନିଜ ଦଳର ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର 9-27% ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ 27% ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମାନେ 27% ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କାଲି ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ସରକାର 10 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ACBC ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ସକାଳୁ ମିଛ କହିଦେଲେ ସକାଳ କାଗଜରେ ବାହାରିଗଲା କ'ଣ ନା ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସେହିଦିନ ଆପଣ ଦେବେ ଯେଉଁଦିନ ଆଇନରେ 27% ଆପଣ ପ୍ରାବଧାନ କରିବେ ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କାଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇକରି ପୁଣି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଲେଟ୍ ମି ବି ଭେରି ପ୍ରିସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ ଓବିସି ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଓବିସି କମିଶନ କଲେ ଯେ 1.5 ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଲାଣି ତା'ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଓବିସି କଥା ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦିନେ ଅଧେ ମିଟିଂ କରାଇଦେଲେ ସେଇଟା ସରିଗଲା ଏବଂ ଓବିସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଆଙ୍କର ଏନ୍ୟୁମରେସନ୍ ବି ହେଇନି ଆଙ୍କର ଓବିସି ଏନ୍ୟୁମରେସନ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଜାତି ରହିବେ ସେଥିରେ କେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ କ୍ରିମିଲେୟର କ'ଣ କାହାଙ୍କୁ ଏ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଶୋକ ଠାକୁର କେସ୍ରେ କ୍ରିମିଲେୟର କଥା ଉଠିଲା ଯେ ଖାଲି ଓବିସି ନୁହେଁ କେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାକୁ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲେଣି କି 22 ବର୍ଷ ଶାସନକାଳ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଏବେ ଯେତେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁଛି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ସେ 11% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବି ନାହିଁ ଶିକ୍ଷାରେ ନାହିଁ ଆପଣ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲେ ଯେ ନିଜ ଦଳର କେତେଟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ ସେଥିରେ 27% ଆପଣ କ'ଣ ନା ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ମିଛ କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହ୍ୟ କଲାଣି ଏଇଭଳି ଯଦି ମିଛ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ କହିବେ ଏଠି ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚରମ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ।